नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेके चल रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अब आपको किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको अलग अलग नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फायर हो, एम्बुलेंस हो या पुलिस, आपको सिर्फ एक ही नंबर डायल करना होगा। ये नंबर है 112। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने राजधानी में इमरजेंसी रेस्पॉन्स स्पॉट सिस्टम का उद्घाटन किया था। इस सिस्टम के शुरू होने के बाद दिल्ली में इमरजेंसी के लिए एक ही नंबर 112 डायल करना होगा। जानकारी के मुताबिक धीरे धीरे सभी इमरजेंसियों के लिए 112 डायल करना होगा, चाहे वो डिसास्टर हो या चाइल्ड हेल्पलाइन या नॉर्थ ईस्ट पीपल हेल्पलाइन। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में 112 नंबर का कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसे दिल्ली पुलिस हैंडल कर रही है। इस कंट्रोल रूम में कॉल आने के बाद इसे संबंधित विभाग के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चाहे फायर हो, एम्बुलेंस हो या फिर पुलिस, आपको सिर्फ एक ही नंबर डायल करना होगा। ये नंबर है 112। इस सिस्टम के शुरू होने से किसी भी इमरजेंसी के लिए एक ही नंबर 112 डायल करना है। अगर आप मुसीबत में हैं और आपको दिल्ली पुलिस आपातकालीन मदद की आवश्यकता है तो अब आपको 100 नंबर नहीं बल्कि 112 डायल करना होगा। तो दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी है कि अब ज़्यादा नंबर याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 112 पर ही आपको डायल करना होगा और आपकी शिकायत, आपकी आपातकालीन स्थिति दिल्ली पुलिस तक पहुँच जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।